जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, आवाज़ और वीडियो बताइएगा क्लियर है। ज़ीशान अहमद, कामरान गोशी साहब, सैफ अली साहब, मसूद फारूक साहब, वकार इकबाल साहब, अगर केजेस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। जी शायान काजमी साहब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। सरदार फैजान अली टोकर साहब शेखोपुरी से, कामी भाट साहब, भैया आ जाओ, लेकिन नाज़रीन में कामरान अब्बास आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में। इस वक्त हम शौक कर रहे हैं उस्ताद मियां एहसन रशीदपुरी साहब के कबूतरों का, और दो चार कबूतर आपको भी दिखाएंगे ज़रूर, अगर लाइट प्रॉपर पड़ जाए तो। वो बड़ा कबूतर देखा होगा तो, ये बहुत ज़बरदस्त कबूतर है जी, ये ब्रीडिंग सेटअप है उनका, और ये आप देखेंगे ये। आज तो खैर हुए 211 बंदे हुए एकदम। भाई आप ताली वाले कबूतर का जिक्र कर रहे थे, अब्दुल रहमान बेग साहब बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मतलब फुल बहुत अच्छे उस्ताद हैं।
पर देखें जी, पर का लेंथ देखें, जो बचे ओरिजिनल से जो बनाए, जो पीछे ओरिजिनल कबूतर थे वो तो मतलब नहीं, बहुत अलग कबूतर। अंदर चलो जरा जाके नुमान भट्ट साहब बनाने की कोशिश करेंगे। टाली वाले भट्ट साहब ये जरा इसके शौक करवा दें। ये जी टाली वाला है, माशाल्लाह जी क्या बात है जी कबूतरों की, एक कसीर तादाद देखने को मिली है इधर। कलर पूरा कबूतर ही है, पूरा कबूतर ही है। ये प्योर है टाली वाला? नहीं मतलब ये जो मेरे पास है वो क्रॉस करके जो आगे बचे वो अब ये हैं। इससे पीछे एक हाथ है दिखाता हूँ, ये देखें जी बहुत ही अलग कबूतर। मैं भी देखूँ जरा, ये लगाई है मैंने उसके साथ, कबूतर बनेंगे टाली वाले पुराने, थोड़े गहरे हो जाएंगे। अच्छा ये जो मियां साहब ये जो आ रहे हैं इसके पर जो अभी इस वक्त, तो ये अपने परों में के हिसाब से जो कलर दे रहे हैं ये आपके पुराने कबूतरों के हिसाब से दे रहे हैं सारा? जी बिल्कुल। बिल्कुल सही, ठीक हो, ये भी आ गया बिल्कुल जबरदस्त, दुम में भी आ गया, दो तीन पर सही हुए। ये पर की मैं आपसे ऑफिस में बात, बिल्कुल इस पर की बात हो रही थी। बहुत अलग कबूतर, ये कबूतरी है कामरान भाई जो मैंने मतलब ज़िंदगी में कबूतर उड़ाए हैं, तो इससे ज़्यादा कबूतर नहीं उड़ा, दो महीने ये उड़ी है, 38 में भी रात को 8 बजे और 45 में भी 7:46 में, 38 में भी रात 8 बजे और 45 में 7:46, दो महीने में इसकी एक परवाज़ है। अमरवास 3 बजे कुछ मिनट, दो महीने की सिर्फ एक परवाज़ है 3 बजे कुछ मिनट, बाकी सब 7 के बाद। क्या बात, अच्छा ये अब इससे लगाइए ताकि वापस जो इसमें 25% टाली वाला है उसमें 75% है, तो जैसे कबूतर रिवाइज मतलब क्योंकि कलर्स मेरे जहन में है अपने कबूतरों के, तो ये सब चीज़ हल्की हल्की ये और वो खूबसूरत भी हो जाएंगे। और अच्छा एक सवाल पूछूं यहाँ पे? पूछे नहीं आप जब... सवाल तो मेरे से ऑफ द कैमरा बहुत पूछे हैं ना आप, नुमान भाई आपको बताएंगे। मैंने क्या कहा था आपको 2 दिन पहले जब आपने कहा कि उधर जाना है, तो मैंने क्या कहा था बता दें जरा। आपने कहा था अगर मेरे, जब मैंने स्टार्ट लिया था ना तो मेरे फेवरेट यही थे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि अगर मैं अपने जितना हुआ था तो मैं इनके पास तो ये जो परसेंटेज है ये हम किस तरह काउंट कर सकते हैं? कैसे यानी कि आप कह रहे हैं इसमें 25% है उसमें 75% है, ये इसकी काउंटिंग हम किस तरह? काउंटिंग ऐसे आ जाएगा, मिसाल के तौर पे एक हमारे पास असल टाली वाला कबूतर है, उसमें हमने एक पर अगर टैडी डाल दिया जी, उसका जो बच्चा हुआ तो उसको मैं गिनूंगा कि ये 50-50 टाली वाला 50% टैडी। और अगर इनमें से जेनेटिकली स्ट्रांग हुआ तो मतलब मैं आपको मैं खून के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो फिर कलर वाइज ऐसे निकलते हैं कि आपको पहचाना ही नहीं जाता कि यार ये कलर तो बिल्कुल निकल गया, लेकिन क्वालिटी डेफिनेट, वो माता जो लगेगी या क्रॉस में जो नर लगेगा, जो आँख देखने वाली है वो एक मिनट से पहले देख लेगी कि इसमें टैडी डला हुआ है या इसमें कौन सा पर डला, ठीक है, उसको जब उठा के दोबारा हम कबूतरों की तरफ टाली वालों में लेके आएंगे उसको हम 75% कहते हैं। सही, फिर वो ब्लड के अंदर 75% प्योर टाली वाला, ये बात ब्लड की हो रही है, सिर्फ ब्लड की बात, कलर कोई भी आ सकता है। कलर तो फिर मतलब अगर आप बनाना चाहे तो आप नहीं, जैसे आपके बोलते थे पहचान थी ना, जब क्रॉस दो तो मादी का क्रॉस दो, ये वो कहते होते थे, वो ये कहते होते थे, वो कहते थे दो टांगों वालों में माँ का किरदार बहुत ज्यादा होता है और चार टांगों वालों में बाप का किरदार बहुत ज्यादा होता है। इसको एक्सप्लेन नहीं आज तक किसी ने किया, इसको एक्सप्लेन ये है कि अगर आपने एक ब्रीड बनानी है तो उसके लिए देखिए, एक जमीन है ना, बीज कितना भी अच्छा हो अगर वो ज़मीन अच्छी नहीं है तो वो बीज वहाँ पे क्या करेगा, तो कबूतरबाजी में अगर बीज जो होता है वो ज़मीन होती है मादा,
अगर वो मादा के अंदर फॉल्ट होगा तो डेफिनेट वो उस नस्ल के अंदर शिफ्ट करेगी। उस्ताद जी के पास एक मादा थी, वो पंजाबी में बोलते ना जिसको लक मारना, वो थी शाम को उड़ती थी, शाम को उड़ती थी, वो क्या करती थी लक मारती थी। उन्होंने वो कबूतरी अपने कबूतर को, बेटा 7 नस्लें मैंने उस कबूतरी की वो लक हटाने की कोशिश की, वो आज तक नहीं हटा। अच्छा, वो मारती, वो उसकी 7 नस्लें आगे लक मारती। तो कबूतरी जो है वो मतलब मेन किरदार अदा करती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नर और मादा जब आपने ब्रीड में लेके जाना हो तो दोनों जीन वाइज स्ट्रांग होने चाहिए। हाँ, ये मेन चीज़, दोनों जीन वाइज स्ट्रांग होने चाहिए। डेफिनेट माँ का किरदार ज़्यादा है, लेकिन आपने मतलब ये है कि वो करनी है तो फिर दोनों जीन वाइज दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। तो जीन्स की जो ये स्ट्रांगनेस है हम कैसे देखेंगे? जीन की स्ट्रांगनेस आप फील्ड के अंदर देखेंगे। हमारे मतलब इतने कबूतर रखे हुए हैं, जब टेम्परेचर आपका 45-46 जाता है, जब हम कहते हैं वाकई बड़ी गर्मी है और गर्म आलूद हवाएं और मौसम ख़राब होते हैं, उस वक्त फिर आपके जीन बोलते हैं, उस वक्त फिर ब्लड बोलता है। ब्लड आप एक कबूतर को बोलते हैं जी इसका ब्लड बड़ा अच्छा है, ब्लड को हमने लैब से टेस्ट कराया हुआ है, तो फील्ड में चेक हो जाता है कि यार ये जब मौसम गर्म आलूद हुए हैं, हवाएँ गलत चली, ये कबूतर घर भी आए, रेडी भी हुए, अगले दिन भी पूरे, तो वो फिर ब्लड गिना जाता है। प्रैक्टिकल पहले, उसके बाद वो चीज़ फिर हम कहते हैं कि ये हमारा फ्लाम ब्लड का कबूतर है, फिर उसका ब्लड गिना जाता है। सही, परफॉर्मेंस से ही ब्लड बनता है, ब्लड से परफॉर्मेंस नहीं बनती, पहले परफॉर्मेंस है बाद में ब्लड है, फिर वो फिक्स होता है। बिल्कुल ठीक। आज रुमान भाई बोल रहे हैं कि मेरा ये फ्लाम ब्लड का कबूतर है, मैं ब्लड को बड़ी तरजीह दे रहा हूँ, तो उनकी परफॉर्मेंस भी तो पीछे देखे, कहते हैं इसने इतने साल बाजी में उड़ा हुआ है, इतने साल बाजी में उड़ा हुआ है, उसके ये बच्चे हैं, तो पहले परफॉर्म किया है तो फिर ब्लड को पकड़ रहे हैं। बिल्कुल, फिर वो उसी से बनता है कि आप परफॉर्म करके परफॉर्मेंस से वो फिर आगे पे डिग्री बनती जाती है उसकी। बिल्कुल ठीक हो। व्हाट्सएप कैसे लग रहे हैं आपको कबूतर इधर आज आप आए हैं? आप भी पहली दफ़ा आए हैं? मैं पहली दफ़ा ही आया। तो क्या कहेंगे आप? अब यहाँ हमने वो छत भी देखी है, लेकिन हमने लाइव सोचा था कि ज़रा तसल्ली से यहाँ पर करेंगे। अच्छा, मैं ना तकरीबन सबके कबूतर देख लिए हैं, इधर एंड हो गया कबूतर बाजी का। मैंने सादे मोहतरम को बोला कि मैंने कहा बस करें आप, कि वो एक दो कबूतर आया ना हाथ में, मैंने कहा बस इधर छोड़ दें, बस अब वो दिल नहीं कर रहा कबूतर देखने को, इसी को बार बार दिल कर रहा है, कि वो कह रहे इससे भी अच्छा है वो। उन्होंने फिर पकड़ाया, मैं फिर वो पहले को बोल गया, उन्होंने फिर अगला तीसरा दिखाया, मैं फिर वो दूसरे वाले को बोल गया। तो ये सब लास्ट एंड द लीस्ट आप किस कबूतर को मानते हैं यहाँ पे इस वक्त आपकी जो ब्रीडिंग सेटअप है कि यार ये इस वक्त होना बहुत ज़रूरी है मेरे पास? देखिए, अब जब आपने शौक करना है ना, जब हम प्योरिटी की तरफ जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज़ और होती हैं, जब हमने क्रॉस ब्रीड लेनी है तो फिर हमारी प्रायोरिटी